नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ये फिल्म कंगना रनौत की फिल्म है और ये फिल्म आज यानी कि 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस मच अवेटेड फिल्म में खुद को चमकाने के चक्कर में कंगना ने कौन कौन सी बड़ी गलतियां की हैं। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर ये दूसरी देशभक्ति फिल्म है। इससे पहले विक्की कौशल और यामी गौतम स्टारर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित भी हुई। बीते साल की शुरुआत हिंदी सिनेमा में लोक कथाओं के एक लोकप्रिय किरदार पद्मावती पर बनी फिल्म से हुई और इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई एक ऐसे किरदार की कहानी जिसे हिंदी पट्टी के लोगों ने बुंदेले हरबोलों के मुंह से खूब सुना है। ये ऐसी मर्दानी है जो खूब लड़ी भी और खूब भिड़ी भी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस की कविता अगर आपने पढ़ी है तो इसकी आपको वो लाइन याद होगी, चमक उठी सन सतवान में वो तलवार पुरानी थी। क्रिश की शूट की हुई फिल्म को रीशूट करके कंगना ने भी खुद को चमकाने की कोशिश की है। गलती वही हुई जो आमिर खान को चमकाने के चक्कर में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में हुई थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ मणिकर्णिका की तुलना इसलिए भी बार बार होती है क्योंकि दोनों पीरियड फिल्में एक ही कालखंड की हैं। फिरंगी अगर अवध का था तो मणिकर्णिका किरदार भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है। ना फिरंगी अवध का लगा और ना ये झांसी की रानी बुंदेलखंड की लगती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं कंगना ने जरूर पढ़ी होंगी। गलती उनसे बस यहाँ ये हो गई कि फिल्म की पटकथा उनके विजेंद्र प्रसाद के हाथों में चली गई, जिन्हें उत्तर भारतीय संस्कृति का ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसी के चलते फिल्म में काशी से लेकर झांसी तक का असल कैनवस और संगीत दोनों से गायब है। फिल्म बहुत भव्य बनी है, इसमें दो राय नहीं। कंगना जब भी फ्रेम में होती है तो वो जगमगा उठती है। ऐसे दृश्य फिल्म में गिनती के हैं जब वो फ्रेम में नहीं है। इसे देखकर समझ भी आता है कि ये फिल्म कंगना ने झांसी की रानी की शौर्य गाथा जन जन तक पहुँचाने के लिए कम और अपना आभा मंडल हिंदी पट्टी में विस्तृत करने के लिए ही बनाई है। तनुज मानू और क्वीन जैसी फिल्मों से कंगना को बेहद दर्शकों का प्यार मिला है। कंगना को बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों की लिस्ट में गिना जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलेब्स ने भी कंगना के मणिकर्णिका किरदार की जमकर तारीफें की है। यूं तो कंगना के फैंस भी फिल्म के मूवी रिव्यू से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर क्रिटिक्स की माने तो कंगना की मणिकर्णिका में कई कमियां रह गई हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को उतना उम्दा नहीं माना जा सकता है। फिलहाल ये देखने वाली बात ये होगी ओपनिंग डे पर ये फिल्म कैसा बिजनेस करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।